नमस्कार, आप देख रहे हैं परमार्थ आवास न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। बाढ़ ग्रस्त इलाकों में भूमाफियाओं द्वारा अवैध निर्माण को लेकर नगर निगम में नगर आयुक्त से मिले भाजपाई। आपको बता दें, आज भारतीय जनता पार्टी की जिला महामंत्री अल्पसंख्यक मोर्चा रुकैया के नेतृत्व में तमाम लोग नगर निगम में जाकर नगर आयुक्त संतोष कुमार शर्मा से मिलकर अध्यक्ष राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश लखनऊ के नाम एक मांग पत्र सौंपते हुए बताया। चंदबल शाहजहानपुर थाना रोजा क्षेत्र के अंतर्गत मोहल्ला लोधीपुर में भूमाफिया एवं समाजवादी पार्टी के गुंडे वसीम उर्फ लाला झरी, अजीम उर्फ नन्हे वाले, मोहन उर्फ अनुए पुत्र स्वर्गीय नथु खान निवासी लोधीपुर ने अवैध रूप से बिना नक्शा पास कराए कृषि भूमि बाढ़ग्रस्त क्षेत्र विनियमित क्षेत्र में अवैध निर्माण कराकर लगभग 25 कमरे बनवाकर बहुमंजिला इमारत को खड़ा करके सार्वजनिक रास्ते को पाट कर कब्जा कर लिया है। आपको बता दें, शासन आदेश की धज्जियां उड़ाते हुए निर्माण कराया गया, जबकि शासन आदेश में साफ तौर पर है कि लोधीपुर के कन्नौज नदी के पुल से मजार शरीफ तक बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है, जिसमें कोई भी निर्माण नहीं किया जाएगा और अगर कराया गया तो उसको ध्वस्त करा दिया जाएगा। जब किसी बहुमंजिला इमारत में वसीम एवं उनके भाइयों ने बिल्डिंग बनाकर तमाम किराएदार रख रखे हैं, जबकि उस बिल्डिंग का कोई भी वेरिफिकेशन भी नहीं है। नगर आयुक्त से प्रार्थना पत्र देकर कहा कि उपरोक्त अवैध निर्माणों को तत्काल प्रभाव से हटाया जाए। जिला महामंत्री भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा शाहजहानपुर, संवाददाता योगेश वाजपेयी की रिपोर्ट। और समय समय पर जिलाधिकारी महोदय जो है पत्रों के माध्यम से और एडवर्टाइज भी कराते हैं कि यहाँ पर कोई निर्माण नहीं होगा, उसके बावजूद गाटा संख्या 152 में कुछ दबंग लोग जो है वो गरीब लोगों को सस्ती जमीन देकर उस पर निर्माण करवा रहे हैं और उनसे ये वादा करते हैं कि कोई नहीं गिराया जाएगा, अगर गिराया जाए तो इसके हम जिम्मेदार हैं। अभी वसीम उर्फ लाला झरदी जो है उसने, उसके भाइयों ने एक निकास पर वो पाट कर उसको गली को और 25 कमरे बनवाए हैं, जो कमाल की बात है, और उसमें किराएदार सारे रखे हैं, उनका कोई वेरिफिकेशन भी नहीं है और 1 किलोवाट बिजली का उसने कनेक्शन ले। रुपया जी, क्या मामला है, किस मामले को लेकर आप लोग आज नगर आयुक्त से मिलने के लिए आए? नगर आयुक्त जी से हम इसलिए मिलने आए हैं क्योंकि कुछ बाढ़ क्षेत्र में अवैध निर्माण कराकर जो है फर्जी पैनामे किए गए हैं, गरीबों को जो है लूटामारी की जा रही है, उनके साथ उनको जो है अवैध तरीके से घर बनाए गए हैं वहाँ पर। कौन करा रहा है ये? लाला झर्री नाम से हैं, इन्होंने जो है फर्जी बैनामे करके गरीबों को जो है प्लाटिंग की है वहाँ पर, जिससे क्या अभी वसीम है, वसीम जूना है, लाला झर्री है, इन लोगों ने जो है गरीबों को सस्ते दामों पर बाढ़ क्षेत्र में प्लाटिंग कर दी है, जिससे क्या अभी जो है बाढ़ आई हुई थी वहाँ पर लोगों के घरों में भी पानी घुस गया था। और जैसे कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है कि बाढ़ क्षेत्र में सख्त आदेश के साथ कि कोई ऐसा निर्माण अवैध नहीं किया जाएगा। जैसे कि आपने देखा है कि बुलडोज़र चलाया जा रहा है, बाबा जी का बुलडोज़र चल रहा है, उसके साथ ही इतनी दबंगई से तब जो है निर्माण किया जा रहा है। देखिए, योगी शासन में कहा गया है कि अवैध निर्माण को तत्काल रोका जाए, इस मामले में प्रशासन क्या कर रहा है? प्रशासन को कभी आपने इस तरीके से अवगत कराया? जी, अवगत अब करा रही हूँ, क्योंकि जब तक हम अवगत नहीं कराएंगे तो हमारी सरकार को, हमारे प्रशासन को भी क्या पता रहेगा, है ना, इसीलिए मैं आई हूँ नगर आयुक्त जी से मिलने। आपने इसकी शिकायत पहले भी लोगों ने करी हुई होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके संज्ञान में होगा ये पूरा मामला, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बरसों से ये अभियान चलाया जा रहा है और प्रशासन को जब पता चलता है तो जिला प्रशासन जो है इसने कईयों को नोटिस देकर और अखबार के माध्यम से भी बताया है कि ये बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है, इसमें जो है कोई भी निर्माण नहीं होगा और उनको नोटिस भी काटे गए हैं। मगर कुछ लोग जो हैं भूमाफिया लोधीपुर के, जो सपा से मिले हुए हैं, सपा की राजनीति कर रहे हैं और वो अपनी दबंगई के बल पे गरीब लोगों को जो है सस्ते फ्लैट बेचते हैं और उनको एक कहते हैं कि हम जिम्मेदारी लेते हैं,
कि अभी तक अगर नहीं गिराए गए, अब अगर कोई गिराएगा तो इसके हम जिम्मेदार हैं और हम तुम्हारे मकानों को गिरने नहीं देंगे। 25 कमरों का मकान गली पाट कर, जो एक आम रास्ता है उसको पाट कर वसीम उर्फ लाला जर्री ने और अपनी दबंगई पे बना लिया है और उसको किराए पे उठा रखा है और 1 किलोवाट का बिजली का कनेक्शन ले रखा है, उसमें 25 लोगों को उसी 1 किलोवाट के कनेक्शन से बिजली दे रहे हैं। भारतीय जनता की पार्टी की सरकार है, योगी की सरकार है, अवैध निर्माण और भूमि माफियाओं को वैसे भी शिकंजा कसा हुआ है, देखिए, लेकिन आज आप उसी के बैनर पे ये शिकायत देने आए हैं, कहीं ना कहीं इस मामले को अपने लेटर पैड से भी उठा रहे हैं जी। कितनी आप शासन प्रशासन से मांग करते हैं इस चीज को लेकर? देखिए, शासन प्रशासन को जब तक नहीं पता चलेगा, हम ही लोग उनके आखी कान है शासन और प्रशासन के। जब हम उनको अवगत कराएंगे, और हमको ये उम्मीद है कि पूरे उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी का, जो उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं, उनके बुलडोजर का खौफ है और लोधीपुर में अभी वो खौफ नहीं अभी छाया है। एक बार भी बाबा जी के कानों तक ये बात पहुंची और उसके बाद लोधीपुर में भी हमें उम्मीद है कि गजब का बुलडोजर चलेगा बाबा जी का, और ये जो भूमाफिया जो है लोधीपुर के गुंडे बदमाश, ये सब अगर दिखाई दे जाए तो आप हमको कहिएगा।